कारगिल विजय दिवस के आज 25 साल पूरे हो रहे हैं। द्रास सेक्टर में प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे, तो वहीं प्रोग्राम के दौरान शहीदों के सैकड़ों परिवार भी मौजूद रहेंगे। कारगिल विजय दिवस पर आज लद्दाख जाएंगे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। द्रास में मुनाकिद प्रोग्राम में शामिल होंगे पीएम और वहां पर शहीदों को खराज अकीदत पेश करेंगे, तो कारगिल जंगी म्यूजियम का मुआयना भी करेंगे वज़ीर-ए-आज़म और इसके अलावा सुरंग का शिलान्यास भी रखने वाले हैं। तो आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कारगिल जाने वाले हैं, जहां पर वो विजय दिवस के प्रोग्राम में शामिल होंगे और शहीदों को खराज अकीदत पेश करेंगे। तो वहीं दुनिया के सबसे ऊंचे सुरंग प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। और ऐसे में आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर अलग अलग जगहों पर कई खास प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे, जहां पर शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। तो कारगिल विजय दिवस के आज 25 साल पूरे हो रहे हैं और द्रास सेक्टर में प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे और वहीं अलग अलग जगहों पर भी कारगिल विजय दिवस के प्रोग्राम से मुनाकिद किए जाएंगे। तो वहीं कारगिल पहुंचेंगे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, जहां पर एक खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, उसमें वो शिरकत करेंगे और इस दौरान शहीदों के परिवार वाले भी मौजूद रहेंगे। तो कारगिल विजय दिवस का आज लद्दाख में भी प्रोग्राम होने वाला है, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। द्रास में मुनाकिद प्रोग्राम में शामिल होने के बाद सबसे ऊंची सुरंग का इफ्तिताह भी करेंगे, तो कारगिल जंगी म्यूजियम का मुआयना भी करेंगे पीएम मोदी और खराज अकीदत भी शहीदों को पेश करेंगे। तो विजय दिवस के मौके पर कई खास प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाएगा और दुनिया के सबसे ऊंचे सुरंग प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास करेंगे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। तो आज कारगिल विजय दिवस की 25 साल पूरे हो रहे हैं, 25वीं सालगिरह है और ऐसे मौके पर शहीद जवानों को खराज अकीदत भी पेश किया जाएगा और अलग अलग इलाकों में खास प्रोग्राम्स भी मुनाकिद किए जाएंगे। तो मुल्क भर में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। इसी दिन जम्मू कश्मीर में कारगिल और द्रास सेक्टर की पहाड़ियों पर भारतीय फौज का चलाया गया ऑपरेशन विजय कामयाब हुआ था और ये दिन यादगार है किस तरह से पाकिस्तानी घुसपैठियों से कारगिल में बेहद मुश्किल लड़ाई लड़ने वाले भारतीय वीर जवानों की इसी बीच उस जगह को तारीख में भी यहाँ पर जाना जाएगा और यूं ही यहाँ इसका नाम कारगिल नहीं रखा गया और इसके तहत आज खराज अकीदत पेश करने का भी सिलसिला देखने को मिलेगा।